नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर के आया हूं। इस सीरीज में मैं आपको यह बता रहा हूं कि नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन ऐसे क्या अलग अलग उपाय किए जाएं जिससे कि आपको सुख मिले, सुविधा मिले, ऐश्वर्य मिले, उन्नति मिले, सफलता मिले, जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ हो, जिससे आपका स्वास्थ्य तंदुरुस्त हो, जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति खुशहाल हो, जिससे आपका कैरियर बहुत अच्छा हो, सफल हो, उन्नति कारक हो, और सबसे बड़ी बात क्या मिले। तो सबसे बड़ी बात ये मिले कि माँ नव दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। 4 वीडियोस ऑलरेडी आपको इस सीरीज में मिल चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। आज का ये वीडियो 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन ऐसे क्या उपाय किए जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि नवरात्रि का 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता का। जी हाँ, नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन अलग अलग देवियों की उपासना की जाती है। हालांकि शक्ति रूपा तो एक ही है लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं। चूंकि अलग अलग रूप है तो भक्त उनकी अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो 5वें दिन जो उपासना की जाती है माँ स्कंद माता की जाती है। अब सबसे पहले तो आपको यहां पर यह बताऊं कि स्कंद माता कौन है। तो स्कंद जो नाम है वो हो सकता है कई लोग इस नाम से परिचित ना हो, कई लोग परिचित भी होंगे। स्कंद जो नाम है वो कार्तिकीय भगवान का नाम है। जी हाँ, स्कंद और कार्तिकीय दोनों एक ही है। तो स्कंद माता यानी कार्तिकीय भगवान की माता। तो इस दिन नवरात्रि के 5वें दिन कार्तिकीय भगवान की माता का जो है वो पूजन होता है, आराधना होती है, उपासना होती है। तो स्कंद माता कार्तिकीय भगवान की माता। हाँ, तो स्कंद माता देवी की आराधना आपको इस दिन करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चूंकि स्कंद माता यानी कार्तिकीय भगवान की माता के रूप में यदि इनकी आराधना हो रही तो कार्तिकीय भगवान को आप नहीं भूल सकते। तो कार्तिकेय भगवान की आराधना भी इस दिन करना जरूरी है, कंपलसरी है। भाई नाम ही स्कंद माता है ना, तो इस दिन स्कंद माता जी के साथ साथ कार्तिकेय भगवान की आराधना भी आप करें। अब मैं आपको एक मंत्र यहां पर बताता हूं सबसे पहले तो, कि उपाय के फलस्वरूप आप एक मंत्र का जाप करें और उस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करें। एक माला होती है ना, 108 मनके की माला, कम से कम एक माला का जाप करें। एक माला इन द सेंस 108 बार एक मंत्र का जाप। ज्यादा से ज्यादा आपको जितना करना उतना करें, सुबह एक माला करें, शाम में एक माला करें, जितना करना उतना करें, लेकिन 24 आवर में कम से कम एक माला का जाप तो करें इस मंत्र का, यानी 108 बार तो इस मंत्र का जाप करें। और मंत्र क्या है, या दैवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या दैवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो आप 108 बार कम से कम करें, और शाम के वक्त कर सकते हैं, सुबह के वक्त कर सकते हैं, जो आपकी सुविधा, और ज्यादा से ज्यादा फिर जितना कर सकते हैं। कार्तिकेय भगवान का पूजन भी किया जाना चाहिए इस दिन, तभी जाकर के स्कंद माता जी जो है वो पूजन को, वो आराधना को, वो उपवास को स्वीकार करती हैं। अब दूसरी बात देखिए कि स्कंद माता जी जो है उनके वाहन सिंह तो है, शेर तो है, लेकिन शास्त्रों द्वारा वर्णित यह भी है कि स्कंद माता जी जो है वह कमल पर भी आसीन हुई है, तो कमल के पुष्प भी चढ़ाने चाहिए स्कंद माता जी को। अब चूंकि स्कंद माता जी का यदि आपके पास एग्जैक्ट फोटो ना हो तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि गूगल जो है वो तो हर जगह उपलब्ध है, तो गूगल से भी आप जो है फोटो निकाल सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत आसान हो गया आजकल। गूगल पर आप डालिए स्कंद माता और आपको स्कंद माता जी की बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी, बड़ी आकर्षक प्रतिमाएं देखने को, फोटोएं देखने को मिल जाएंगी। वो फोटोएं जो है उनको प्रिंट करवा लीजिए आप, और उनको लेकर के आप जो है अलग अलग 9 फोटोज जो है आप उनका एक कोलाज बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी रख सकते हैं, उनकी आराधना आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, आप यदि कहीं बाहर रहते हैं, कहीं रूम पर रहते हैं, आप कहीं बाहर पढ़ाई करने गए हैं, आपके साथ फैमिली नहीं है, इतने ज़्यादा फोटोएँ जो है आप नहीं रख सकते, क्योंकि फिर रखी तो उनका रोज़ाना आपको जो है पूजन भी करना पड़ेगा, उनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि शक्ति रूपा माता जी की जो भी फोटो हो, जो भी इवन मूर्ति हो, उन पर भी आप कमल का पुष्प चढ़ा सकते हैं, और इस मंत्र का जाप जो मैंने आपको दिया है ये कर सकते हैं, कार्तिकेय भगवान का ध्यान कर सकते हैं मन में। तो ये आप कर लीजिए। इसके बाद में अच्छा, पुष्प जो है कम से कम 3 पुष्प चढ़ाना चाहिए, कमल के 3 पुष्प चढ़ाना चाहिए। ये कमल के पुष्प का रंग जो है ये लाल हो, गुलाबी हो, ये ज्यादा अच्छा होगा। अब
तीसरी बात पर चलते हैं, केले का भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। केला, केले का भोग भी लगाएं और केला दान में भी दें, कन्याओं को भोजन करवाएं, कन्याओं को केला भी दें। केले के साथ साथ जो है वो दक्षिणा भी दी जाती है, लेकिन केला देना ना भूलें। जरूरतमंदों में केला बांटें इस दिन, ये भी बहुत अच्छा होता है। एक और अच्छी बात कि केला और दूध, केले और दूध जो है ये भी जो है मिला करके आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका उपवास है तो भी आप ये ग्रहण कर सकते हैं, उपवास नहीं भी है तो भी आप ये ग्रहण करके इससे भी पेट भर सकते हैं। तो केला और दूध दोनों मिला करके इसका जूस वगैरह निकाल करके ग्रहण करना, ये भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप इंडिविजुअल केला भी खाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इससे पेट भर सके तो वो भी होगा, यदि आप उपवास कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा थोड़ी सी मात्रा में ले सकते हैं। तो एक चीज मैंने ये कह दी, इसका दान करना भी बहुत अच्छा होता है, केले का दान करना भी यहां पर बहुत अच्छा माना जाता है। इसी के साथ साथ एक बात और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज, जैसे मैंने केला और दूध तो आपसे कह दिया, लेकिन दूध की मिठाई हो सकती है, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज आप जो है वो डोनेट भी कर सकते हैं, उसका प्रसाद भी आप लगा करके ग्रहण कर सकते हैं। तो इतना आसान से काम आप करें और देखिए माँ स्कंद माता जो है उनका आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होता है। आपके जो भी आपकी मंशा है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका प्लान है, जो भी आपकी योजना है, उसमें आपको उन्नति कैसे देखने को मिलती है आप देखिए। छोटा सा उपाय जो है ये करिए, और नवरात्रि के अलग अलग 9 दिन जो जो मैंने अलग अलग वीडियोज में बताए हैं वो सारे उपाय करिए और फिर देखिए आपकी उन्नति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। अगले दिन मैं आपको जो है वो जो छठवां दिन है नवरात्रि का छठवां दिन, उस दिन क्या उपाय किया जाए, कौन सी माता जी के लिए वो दिन होता है, ये आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।